यूपी के अलीगढ़ में आपको बताने की कोशिश करें तो एक लिंचिंग कर दी गई थी और पीट पीट कर भीड़ के द्वारा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। इस मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। मुस्लिम समाज पर होने वाले जुल्म जाति अधिकारों पर चंद्रशेखर आजाद मुकरता से आवाज उठाते नजर आते हैं और आपको बताने की कोशिश करें तो पूरे देश भर में सबसे तेज और मजबूत आवाज चंद्रशेखर आजाद ही सदन के अंदर मुस्लिम समाज के बनते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम समाज की आवाज यहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने उठाने की एक तरह से अपने सोशल मीडिया हैंडल से उठाई है। चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, 7 जून के दरमियान रात को छत्तीसगढ़ के रायपुर के औरंग क्षेत्र में मवेशी ले जा रहे चांदमिया गुड्डू खान और सदाम कुचिंग को लिंचिंग करके मार दिया। अभी तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। भाजपा शासित यूपी के अलीगढ़ में भी शमसुद्दीन को लिंचिंग करके मार दिया गया। मॉब लिंचिंग की यह घटनाएं 4 जून के बाद हुई है। क्या टारगेट किलिंग है? सरकार को इन घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिले, साथ ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिले। ये भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर से आपको बता दें कि ट्वीट करते हुए लिखा। और दरअसल आपको बता दें कि मॉब लिंचिंग की घटना या मुस्लिम समाज पर होने वाले अत्याचार की घटना में इतनी मुकरता से आवाज चंद्रशेखर आजाद ने उठाई है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी भी दलितों के, मुस्लिमों के वोट लेती है, लेकिन आपको बता दें कि वो भी इस तरीके से मुखरता से आवाज नहीं उठा पाती है। छत्तीसगढ़ में हुई घटना पर भी अभी तक विपक्ष यानी खास तौर से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसी राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे नजर आते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इस लिंचिंग की घटना पर आगे बढ़कर यहां पर एक तरीके से घटना को उठाया, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है। चंद्रशेखर